दोस्तों, अगर आपको ऐसी फिल्में पसंद हैं जो थ्रिलर और हॉरर हैं, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी ही मूवी जिसका नाम है किलर अंडर द बेड, जिसके निर्देशक जेफ हेयर हैं। मूवी में ये दिखाता है कि कैसे एक लड़की जिसका नाम किली है, वो एक जादुई गुड़िया को उसके फैमिली को नुकसान पहुंचाने से रोकती है और वो अपनी माँ की मदद से उसको फिर से एक रस्सी के सहारे बांध कर कैद कर देती है। तो फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जो घर पर अकेली है और वो जोर से चिल्लाकर एक छोटे से शेड की तरफ भागती है और तुरंत दरवाजे को बंद कर लेती है। लेकिन वो अकेली नहीं होती, कोई उसके शेड के ऊपर चल रहा होता है और अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और वो जोर से चिल्लाती है। वहीं पर यह दृश्य खत्म हो जाता है। इस घटना के एक साल बाद एक विधवा औरत जिसका नाम सारा रहता है, जो पेशे से एक दांत की डॉक्टर रहती है, वो अपनी दो बेटियों के साथ उसी घर में रहने आती है, जिनमें से एक का नाम किली और दूसरे का नाम क्रिसी है। वो तीनों अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती हैं। तभी किली और क्रिसी दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं कि कौन बड़ा और कौन छोटा रूम लेगा। उनका शोर सुन के उनकी माँ सारा वहाँ पे आती हैं, दोनों को समझाती हैं और किली को कहती है, तुम छोटा रूम ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि उसमें बहुत अच्छा बाथरूम भी है। किली आखिर में मान जाती है और अपने रूम में चली जाती है। रात में किली अपना कुछ सामान रखने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है, तो कुछ बॉक्स में सामान लेके नीचे जाती है और तभी उसकी माँ उसको बुलाती है कि आकर हम लोगों के साथ टीवी देखो और मजे करो, लेकिन किली मना करके वहां से चली जाती है अपना सामान लेकर। घर के बाहर उसके एक शेड रहता है, वो उसी में अपना सामान लेकर रख देती है, लेकिन उसी शेड में बहुत अंधेरा होता है, तो किली अपना फोन निकाल कर उसका लाइट ऑन करती है। तभी अचानक उसे एक रस्सी के सहारे लटकी एक गुड़िया नजर आती है। किली उस गुड़िया को रस्सी से उतार कर अपने साथ चुपके से घर में ले जाती है। उस गुड़िया पर लगी सारी पिंस और एक लॉकेट को निकाल कर साइड में रख देती है और गुड़िया को अपने बिस्तर के नीचे रख देती है। अगले दिन किली और क्रिसी दोनों अपने नए स्कूल में जाते हैं। वहां किली की मुलाकात एक टीना नाम की लड़की से होता है जो किली की क्लासमेट होती है। वो किली को उसके लॉकर रूम तक ले जाती है और किली को ब्लैकमेल करती है कि अगर उसने उसे $100 नहीं दिए तो वो उसके बारे में गलत गलत अफवाह फैला देगी। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। किली अपने क्लास में घुसती है, तभी वो अपने टीचर की तरफ देखती हैं। ये देखकर टीना किली का मजाक उड़ाती है कि किली को मिस्टर मैक कैब के ऊपर क्रश है। किली कुछ नहीं बोलती और चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। कुछ देर बाद किली अकेली बैठी रहती है, तभी टीना और उसकी दोस्त बारबी वहां आती है, लेकिन इस बार टीना को $100 नहीं, किली की जैकेट चाहिए थी। ये कहकर दोनों वहां से चले जाते हैं। किली घर आकर सारी बात अपनी बहन क्रिसी को बताती है और उससे पूछती है कि उसने उसका साथ क्यों नहीं दिया। फिर दोनों के बीच में बहस होने लगती है और किली गुस्से में अपने पिता की मौत का जिम्मेदार क्रिसी को लगा देती है। तभी उन दोनों का झगड़ा खत्म कराने उनकी माँ आ जाती है और किली अपने रूम में जाकर दरवाजा बंद करके रोने लग जाती है। थोड़ी देर बाद वो उस गुड़िया जिसका नाम वूडू डॉल था, उसे इस्तेमाल करती है अपनी बहन क्रिसी पर। वो क्रिसी का एक छोटी सी चीज लेके गुड़िया के पैर पर एक पिन से चिपकाकर ये मांगती है कि उसकी बहन क्रिसी का पैर दुखे। अगले दिन किली ये देखती है कि उसकी बहन माँ से पेन किलर मांगती है और कहती है कि अचानक से उसके पैर में दर्द होने लगा है। ये सब देखकर किली को यकीन हो जाता है कि गुड़िया काम करती है और वो उसको अपने बैग में भरकर स्कूल ले जाती है। स्कूल में किली वॉशरूम में रहती है, तभी वहां पे टीना और उसकी दोस्त बारबी आ जाती है। टीना किली से उसकी जैकेट मांगती है, लेकिन किली नहीं देना चाहती क्योंकि वो उसके पिता की जैकेट है, वही एक निशानी है उसके पास। लेकिन टीना उससे जबरदस्ती करने लगती है और उसी में किली की जैकेट फट जाती है और टीना ये कहकर चली जाती है कि उसे अब फटी जैकेट नहीं चाहिए। किली रोने लग जाती है, फिर अपने बैग में से डॉल निकाल कर टीना की यूज की गई रुमाल का टुकड़ा फाड़ कर एक पिन के सहारे गुड़िया के मुंह पर लगा देती है। कुछ देर बाद क्लास में सब सही चल रहा होता है, तभी मिस्टर मैक के भी टीना को टोकते हैं कि तुम्हारी लिप्स पर कुछ हो रहा है और टीना का होंठ फूल कर लाल हो जाता है। सारी क्लास उसका मजाक उड़ाने लग जाता है और टीना वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ किली अपने टीचर के रूड बर्ताव के बाद वो गुड़िया से उसके टीचर का एक छोटी सी चीज का टुकड़ा पिन के सहारे गुड़िया पर लगाकर ये मांगती है कि उसके टीचर मिस्टर मैक के भी उससे अच्छी तरह से और प्यार से बात करे, लेकिन हालात उससे बेकार हो जाता है।
मिस्टर मैककेबी को किली पे दिल आ जाता है और वो उसको लंच और डेट के लिए पूछते हैं। किली अपनी माँ सारा के क्लिनिक पे जाती है। उसकी माँ पेशे से डेंटिस्ट रहती है। वहाँ जाके देखती है कि डॉक्टर राइडर उसकी माँ सारा से अच्छी तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं, तो किली गुड़िया का इस्तेमाल डॉक्टर राइडर पे करते हैं। उसके बाद डॉक्टर राइडर उसकी माँ से प्यार से बात करने लग जाते हैं। ये सब देखकर सारा को कुछ समझ में नहीं आता है। एक दिन क्रिसी का मार्कर पेन खत्म हो जाता है, तो वो किली के रूम में जाकर वहां से वो किली का बैग खोलती है मार्कर पेन ढूंढने के लिए, लेकिन उसको उसमें गुड़िया यानी कि वूडू डॉल पड़ी मिलती है। किली के आने के बाद क्रिसी उसे पूछती है और किली उसे सब बता देती है कि कैसे उसने टीना और डॉक्टर राइडर के ऊपर उस गुड़िया का इस्तेमाल किया। लेकिन क्रिसी इन सब में विश्वास नहीं रखती और सोचती है कि उसकी बहन पागल हो गई है, और वो गुड़िया को ले जाके घर के बाहर कूड़ेदान में डाल देती है और दोनों सोने चले जाते हैं। अगली सुबह जब किली सो के उठती है तो देखती है कि गुड़िया उसके बगल में पड़ी है, लेकिन किली को लगता है कि क्रिसी ने उसके साथ प्रैंक किया है और वो गुड़िया को अनदेखा करके चली जाती है और वो गुड़िया अपने आप को किली के बैग में रख लेती है। किली को लगता है उसने सारी चीजें खराब कर दी हैं। फिर वो लाइब्रेरी चली जाती है। वहां वो ओकलट नाम की बुक चेक कर रही होती है, तभी वहां टीना आ जाती है जो कि फिर से नॉर्मल रहती है। टीना फिर से किली को परेशान करना चाहती है और उसकी गुड़िया वूडू डॉल लेके वहां से भाग जाती है। टीना गुड़िया को लेके अपनी कार के फ्रंट सीट पर फेंक देती है, लेकिन तभी उसके हाथ में एक पिन चुभ जाती है और वो पीछे जाकर अपनी डिग्गी में से पट्टी निकालकर हाथ में लगाती है। वापस आकर टीना जब अपनी सीट पर बैठती है तो अचानक से उस गुड़िया में जान आ जाती है और वो एक चाकू से मारकर टीना को घायल कर देती है, और तभी वहां उसकी दोस्त बारबी आ जाती है। वो टीना की हालत को देखकर डर जाती है और वहां से चिल्लाकर भाग जाती है। तभी वहां पुलिस और एम्बुलेंस आती है और टीना कर्मा की रट लगाए रहती है और पुलिस सारी एरिया सील कर देती है। स्कूल के खत्म होने के बाद मिस्टर मैककेबी किली का पीछा करते हैं और उसको किडनैप करने की कोशिश करते हैं। वो किली के प्यार में इतना पागल हो जाते हैं और किली से कहते हैं कि वो एक साधारण लड़के हैं जिसका दिल एक खूबसूरत लड़की पर आ गया है, लेकिन किली उससे कहती है कि वो उनसे प्यार नहीं करती और ना ही वो उनके साथ रहना पसंद करेंगी। किली तुरंत छुटकारा पाके जंगल की तरफ भाग जाती है, लेकिन मिस्टर मैककेबी वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसके पीछे जाते हैं। किली शांति से एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और मिस्टर मैककेबी को विचलित करने के लिए एक पत्थर दूसरी तरफ फेंक देती है, जिससे वो उसी दिशा में भाग जाते हैं। और फिर वो गुड़िया से कहती है कि जो भी चीज हो रही है सब कुछ रोक दे, लेकिन सिचुएशन और खराब हो जाती है। किली गुड़िया को एक गड्ढा खोदकर उसमें दफना देती है ये सोच के कि सब ठीक हो जाएगा। किली वहां से भाग जाती है, लेकिन गुड़िया के अंदर अचानक से जान आ जाती है और वो अपना हाथ निकाल देती है। किली भागकर अपनी बहन क्रिसी के पास जाती है और उसे बताती है कि उसके टीचर मिस्टर मैककेबी ने उसके ऊपर हमला किया और वो जान बचाकर भाग आई। उसको ये भी डर रहता है कि कहीं इस गुड़िया का उल्टा असर डॉक्टर राइडर पर हुआ तो उसकी माँ को भी खतरा है। ये सोचकर किली अपनी माँ को फोन करती है और उन्हें सुरक्षित रहने को कहती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और तभी डॉक्टर राइडर का मानसिक संतुलन खराब हो गया। वो सारा को डेंटिस्ट की कुर्सी पे बांध के वहां पड़े औजारों से उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारा कैसे भी बचकर वहां से भाग जाती है और डॉक्टर राइडर को बेहोश कर देती है। तभी वहां सब आ जाते हैं और सिचुएशन ठीक हो जाती है और उसकी बेटी क्रिसी भी वहां आ जाती है। और उसी दिन किली को फिर से उसके टीचर मिस्टर मैककेबी लाइब्रेरी में जोर जबरदस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन किली वहां पे चिल्लाने लगती है और वो उसे छोड़ देते हैं। किली अगले दिन उस लड़की से मिलने आती है जिसका नाम फिल्म की शुरुआत में जिक्र हुआ था। उसका नाम मैंडी था। वो एक पागल खाने में थी क्योंकि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था। मैंडी किली को बताती है कि कैसे उस गुड़िया ने उसकी माँ को मारा था, और फिर किली पूछती है कि उस गुड़िया को खत्म कैसे किया जाए। तो मैंडी बताती है कि उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको फिर से सुला सकते हैं। वहीं 6 पिन लगाकर फिर से उसी रस्सी से लटकाना होगा। इस चीज से वो सो जाएगी और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। तभी अचानक मैंडी को पागलपन का दौरा पड़ने लगता है और किली वहां से भाग जाती है। किली घर जाकर सारा पिन और रस्सी इकट्ठा करने लगती है, तभी मिस्टर मैककेबी वहां आ जाते हैं और किली को पीछे से दबोच लेते हैं, और किली उनसे पीछा छुड़ाने के लिए एक दरवाजे का सहारा लेके उनको बेहोश कर देते हैं और पिन इकट्ठा करने में लग जाती है।
तभी वो गुड़िया आके किली पे हमला कर देती है और किली अपने को दरवाजे के पीछे बंद कर लेती है। उसकी माँ और बहन क्रिसी को आते देख गुड़िया छुप जाती है। फिर उसकी माँ सारा और क्रिसी को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो गुड़िया फिर से सामने आती है और हमला कर देती है। किली गुड़िया को डंडे के सहारे मारकर आगे में फेंक देती है और गुड़िया जलने लगती है, तो किली सोचती है गुड़िया जलकर मर गई। तभी गुड़िया क्रिसी के अंदर आ जाती है और आग से भी बाहर आ जाती है। सारा किली की मदद करती है गुड़िया को फिर से सुलाने के लिए। वो गुड़िया को पकड़ी रहती है और किली एक एक करके उसमें पिन लगाती है, जिससे गुड़िया कमजोर होने लगती है। लेकिन उसके साथ उसकी बहन क्रिसी को भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी गुड़िया से जुड़ी हुई होती है। लेकिन वो इस चीज को अनदेखा करके दोनों मिलकर गुड़िया के अंदर पिन लगाते रहती है। आखिरकार वो उस गुड़िया को रस्सी से टांग देती है और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाता है। मिस्टर मैककेबी को होश आ जाता है और तीनों सारा, किली और क्रिसी घर छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन उसके जाने के बाद मैंडी पागलखाने से भागकर आ जाती है और वो उस गुड़िया यानी कि वूडू डॉल को फिर से खींच लेती है और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस फिल्म की IMDb पर 4.5 रेटिंग है। तो हमेशा की तरह मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि दोस्तों ऐसी ही मजेदार और जानदार आवाज आपको आगे भी मिलती रहे। आखिर में बोलना चाहूंगा, अपना और सबका ध्यान रखें। धन्यवाद।